सोनम वांगचुक को क्यों रोका गया? दिल्ली में पर्यावरण कार्यकर्ता की पदयात्रा पर विवाद। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। आज हम बात करेंगे लद्दाख के मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की और उनकी पदयात्रा को लेकर जो बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। सोनम वांगचुक जो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, दिल्ली की ओर पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्हें और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर ही रोक दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया और इस मुद्दे पर देश भर में क्यों चर्चा हो रही है? वांगचुक ने 1 सितंबर 2024 को लेह से दिल्ली की ओर पदयात्रा शुरू की थी। ये पदयात्रा करीब 1000 किलोमीटर लंबी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना और संविधान की छठी अनुसूची में इसे शामिल करवाना। इस पदयात्रा को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर खत्म करना था। 2 अक्टूबर से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक और उनके साथ आए 150 से अधिक कार्यकर्ताओं को सिंधु बॉर्डर पर रोक लिया। उन्हें हिरासत में लेकर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। वांगचुक ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि 100 से अधिक पुलिसकर्मी इस पद यात्रा को रोकने के लिए तैनात थे। ये भी बताया कि यात्रा में 80 साल से अधिक के उम्र के बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस के इस कदम को लेकर कई राजनीतिक और सामाजिक नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सोनम वांगचुक को रोकना तानाशाही है और वह उनसे मिलने के लिए रवाना हो जाएंगी। राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अन्य विपक्षी नेताओं ने भी केंद्र सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि लद्दाख के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और शांतिपूर्ण मार्च को रोकना लोकतंत्र के खिलाफ है। इस विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी वांगचुक का समर्थन किया है। सरकार और पुलिस की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 6 दिन के लिए धारा 144 लागू की है, जिससे प्रदर्शन और धरना प्रतिबंधित हो गया है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वह शांतिपूर्ण आंदोलन से घबराने लगी है। कौन है ये सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक का नाम आप तब से जानते होंगे जब उन्होंने 3 इडियट्स फिल्म के लिए प्रेरणा दी थी। वह पिछले 30 सालों से शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वांगचुक ने लद्दाख में बच्चों के लिए खास स्कूल बनाए हैं, जहां परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों को नई नई चीजें सिखाई जाती है। इसके अलावा उन्होंने जल संकट से निपटने के लिए आइस स्तूप का आविष्कार किया, जो सर्दियों में भी पानी को जमा कर गर्मियों में उपयोगी बनाता है। वांगचुक का संघर्ष क्यों जरूरी है, ये जानना भी जरूरी है। वांगचुक और लद्दाख के लोगों की मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लद्दाख में तेजी से बढ़ते पर्यावरण संकट और स्थानीय लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने की जरूरत है। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने से क्षेत्र के सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। सोनम वांगचुक का संघर्ष सिर्फ लद्दाख के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन जब पर्यावरण के हितैषी और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को रोका जाता है तो ये लोकतंत्र के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर क्या लद्दाख के लोगों की आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी? क्या केंद्र सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी? ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको
ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।